हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से विश्वामित्र मुनि ने कई सारे दिव्य शस्त्र अस्त्र प्रभु राम को दिए और राम की परीक्षा भी, राम कई परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। एक साथ राम आगे चले और कौशिकी नदी के किनारे आए। जब उन्होंने विश्वामित्र से कौशिकी नदी के बारे में बताया तो विश्वामित्र मुनि ने एक बहुत ही सुंदर और रोचक कथा राम और लक्ष्मण को सुनाई। ब्रह्मा जी के कई पुत्र हुए जो बहुत ही गुणवान, निपुण, सुंदर और दक्ष थे। उनमें से एक पुत्र का नाम था कुश। कुश के भी चार पुत्र हुए जिनमें से एक का नाम था कुशनाभ। कुशनाभ की 100 पुत्रियां हुई और सारी 100 की 100 बहुत ही सुंदर, गुणवान, रूपमती, हर कोई उनसे विवाह करना चाहे। एक बार जब वो युवतियां होकर के अपने महल के ऊपर टेरेस पर खेल रही थी, वहां पर वायुदेव आए। वायुदेव ने अपनी बढ़ाइयां उन पुत्रियों को बताना शुरू किया। उन पुत्रियों ने वायुदेव के सामने अपना शीश नमाया और कहने लगी, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं लेकिन अपने आप में हम ये निर्णय नहीं ले सकते, आपको मेरे हमारे पिता कुशनाभ से चर्चा करनी होगी। वायु इस प्रकार के तर्कों के लिए रेडी नहीं थे, वायु को इंसल्टिंग लगा। वायु ने उसी समय उन सारी 100 युवतियों की कमर तोड़ डाली। ही कंप्लीटली क्रश्ड देयर बैकबोन्स। इस पीड़ा से, असह्य पीड़ा से वो उधरी गिर गई। और जब कुशनाभ को पता चला, कुशनाभ भी बहुत क्रोधित हो गए, लेकिन कुशनाभ को पता था क्या करना चाहिए। उन्होंने वहां पर एक बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण ब्रह्मदत्त से उनका विवाह कर दिया, या अपने 100 पुत्रियों का। ब्रह्मदत्त के स्पर्श से ही सारी पुत्रियों की कमर फिर से ठीक हो गई, केवल स्पर्श मात्र से। हम देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां भी हम अपनी स्वयं की आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को प्राधान्य देते हैं, वी इनएडवर्टेंटली एंड अप कॉजिंग हार्म एंड अ लैक ऑफ पर्सनल कॉन्साइंस। लेकिन जहां पर भी सेल्फलेस सर्विस है, जहां पर केवल परोपकार की भावना है, जैसे ब्रह्मदत्त की थी, क्योंकि कमर टूटी हुई स्त्री को कौन एक्सेप्ट करेगा पत्नी के रूप में। So, ब्रह्मदत्त ने 100 स्त्रियों को एक्सेप्ट किया और उनके स्पर्श से ये 100 की 100 तेजस्वी, रूपमती, गुणवती फिर से हो गई। सो लाइफ विच इज लेड विथ द इंटेंशन ऑफ परोपकार ऑलवेज डज गुड टू अदर्स, एंड अ लाइफ विच इज प्राइमरली बेस्ड ऑन वन ओन ग्रेटिफिकेशन इनएडवर्टेंटली लीड्स टू सम फ्लॉ, सम ईगो टसल। इसके बाद कुशनाभ ने और तपस्या की एक पुत्र प्राप्त करने के लिए। कालांतर में कुशनाभ को एक पुत्र हुआ जिनका नाम था गाधी। गाधी ये अपने पिता की तरह ही बहुत ही परोपकार की भावना में जीवन जीने वाले। गाधी को एक बेटी हुई और एक बेटा हुआ। बेटे का नाम विश्वामित्र और बेटी का नाम कौशिकी। विश्वामित्र जो अब प्रभु राम और लक्ष्मण के साथ हैं, कौशिकी का विवाह भृगु मुनि के पुत्र ऋचिक से हुआ। ऋचिक कुछ दिन तक कौशिकी के साथ रहे लेकिन बाद में वो तपस्या के लिए ब्रह्मलोक जाने लगे जहां पर भृगु मुनि रहते हैं। अपने पति से विरह में रहने की इच्छा को वो सहन नहीं कर पाई कौशिकी, और उन्होंने निर्णय किया कि मैं अपने जीवन में तपस्या करके अपने आप को जल तत्व में परिवर्तित कर दूंगी और अपने पति के साथ ब्रह्मलोक जाऊंगी। जब ऋचिक को यह पता चला
तो ऋचिक ने कौशिकी से कहा कि आप इतने दूर मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, आप यहीं पर रहकर यहीं पर बहकर जल तत्व के रूप में कितने सारे जीवों की का कल्याण कर सकती हो, कितने सारे जीवों को जल दे सकती हो, उन्हें स्वच्छ कर सकती हो, उनके ऊपर कृपा बरसा सकती हो। कौशिकी ने ये मान लिया और कौशिकी धरातल पर ही नदी के रूप में बहने लगी। इसी कौशिकी को विश्वामित्र ने स्पर्श किया, राम और लक्ष्मण ने स्पर्श किया। विश्वामित्र अपनी बहन के शरीर को स्पर्श कर रहे थे। ये देख करके राम और लक्ष्मण के जीवन में भी इट वॉज अ वेरी बिग थिंग। यू सी, जहां पर भी हम अपने श्रद्धा स्थान व्यक्तियों के जीवन के पर्सनल सर्कमस्टांसेस को, पर्सनल उनके जीवन के कुछ पॉइंट्स को हम सुनते हैं, तो हमें वो क्या करते हैं, द एनकरेजर्स। सो राम और लक्ष्मण विल ऑल्सो थ्रिल्ड टू हियर द एंटायर सागा ऑफ कौशिकी रिवर। मोर ओवर उन्हें ये भी बहुत अचरज लगा कि ये कौशिकी दूसरी कोई नहीं, विश्वामित्र मुनि की बहन है। कौशिकी में स्नान करके, कौशिकी को नतमस्तक होकर प्रणाम करके तीनों वहां से आगे चले। वहां से आगे चलने के बाद एक सुंदर स्थान पे आए। विश्वामित्र मुनि से फिर से राम ने पूछा, ये सुंदर स्थान कौन सा है, यहां पर ये जो साधु रह रहे हैं वो सब कौन है? और विश्वामित्र ने बताया कि ये स्थान बहुत ही पुण्य है और परोपकारी है। इस आश्रम में भगवान विष्णु ने आकर 100 साल तपस्या की है। हजारों वर्षों से ये आश्रम है और जो कोई भी आगंतुक यहां आता है उसका जीवन सिद्ध हो जाता है। इसके बारे में कथा विश्वामित्र ने वामन देव और बलि महाराज की बताई। बलि महाराज जो कि प्रह्लाद महाराज के पौत्र और विरोचन के बेटे हैं। ये कथा क्या आती है ये हम देखेंगे कल। तब तक हरे कृष्ण। I love her।